गाइज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी कई बार स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग होते हैं, कई बार तो स्पेलिंग भी अलग होती है बट उनके प्रोनंसिएशन सेम होते हैं, है ना बड़ा कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को आज मैं थोड़ा बहुत दूर करने वाली हूँ इस वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं तीन ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिनमें हम राइटिंग और स्पीकिंग के वक्त गलतियाँ करते हैं। अगर आप भी सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देर किए चलते हैं अपने पहले दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। एवरीडे, एवरीडे, दोनों सेम ही तो है? नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस का फर्क है। एवरीडे विदाउट स्पेस इज एन एडजेक्टिव, इसे हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग ऑर्डिनरी और टिपिकल। कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। ट्रैफिक इज अ फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पे एवरीडे का यूज हुआ है ऑर्डिनरी के सेंस में। अब चलते हैं एवरीडे विद स्पेस, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ईच डे, यानी कि हर रोज। इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं आइए जानते हैं। आई वेयर साड़ी एवरी डे, मैं साड़ी पहनती हूँ हर रोज। नेक्स्ट सेट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड इज आई एंड मी, ये दोनों ही प्रोनाउंस हैं बट इन्हें हम सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आई का यूज हम तब करते हैं जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में, जैसे कि आई वॉक टू द स्टोर। मी का यूज हम तब करते हैं जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है सेंटेंस में, द डॉग फॉलोड मी टू द स्टोर। एंड द लास्ट सेट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड इज देन एंड देन, एक में आता है ई और दूसरे में आता है ए, देन विद ई जिसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी कि अगला। आप इसे यूज कर सकते हैं जब भी आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। मैं इसे आपको यूज करके बता रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई एम गोइंग टू गो टू मीटिंग देन टू लंच, वही देन विद ए का यूज होता है फॉर कंपैरिजन, जब भी हम कंपेयर करते हैं इसे हम यूज करते हैं। कैसे? आई एम ओल्डर देन ही इज, ऐसे। तो गाइस, देखा कैसे ये छोटी छोटी गलतियां हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को स्पॉइल करती है, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो। आई होप आज के बाद इन गलतियों को करने से पहले आप जरूर सोचेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन नमस्कार।